फेडरल बैंक एक केरला बेस्ड मिड कैप बैंक है फेडरल बैंक। और आपको पता ही होगा मिस्टर राकेश झुंझुनवाला लगातार इसके अंदर हिस्सेदारी इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फेडरल बैंक एक ऐसा बैंक है जो पैसे के साथ साथ गोल्ड में भी अच्छा खासा एक मार्केट शेयर ये गेन करते हैं और उसको हैंडल भी करते हैं। कोई भी बैंकिंग स्टॉक व बैंकिंग शेयर लेने से पहले आपका उसके अंदर एनपीओ को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बैंकिंग शेयर के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फेडरल बैंक का एनपीए का कंडीशन क्या है और कितना है, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार यहाँ पे जो टोटल ग्रॉस एनपीए है वो है 4649 करोड़ का, और नया जो स्लिपेजेस हुआ है इस क्वार्टर में वहां पे हुआ है 320 करोड़ का, और जो रिकवरी हुआ है कंपनी के अंदर वो हुआ है 423 करोड़, और जो रिटर्न ऑफ किया गया है जो कंपनी से राइट ऑफ किया गया है जितना टोटल एनपीए वो है 120 करोड़। तो अभी जो ग्रॉस एनपीए का अमाउंट है वो है 4446 करोड़। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि फ्रेश स्लिपेजेस कितना हुआ है, तो रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, तो रिटेल के अंदर जो रिटेल कैटेगरी है उसके अंदर 85 करोड़ का नया स्लिपेजेस यहाँ पे दिखाया है एनपीएस के अंदर। बात करें एग्री के, एग्रीकल्चर के अंदर 98 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बात करें बिजनेस बैंकिंग के अंदर तो बिजनेस बैंकिंग के अंदर करीब आपका 49 करोड़ का नया स्लिपेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब बात करते हैं क्लोजर टू बिजनेस लाइक पर्सनल लोन ऐसा कुछ सेक्टर के अंदर तो 88 करोड़ का लोन वहां पे भी एनपीएस के अंदर आ गया है। तो कॉर्पोरेट के अंदर उतना यहाँ पे ज्यादा स्लिपेजेस मतलब कंप्लीटली जीरो स्लिपेजेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बात करें टोटल का तो 320 करोड़ नया स्लिपेजेस नया एनपीए यहाँ पे एड हुआ है फेडरल बैंक के अंदर। अभी कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से, तो लास्ट क्वार्टर से बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे है कंपेयर टू एनपीए कंट्रोल के हिसाब से। तो अभी जो नया एनपीए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्लिपेजेस के अनुसार उसको रेशियो में आप डिवाइडेड करेंगे तो आपको यहाँ पे रेशियो भी दिखाई दे रहे हैं रिटेल के अंदर कितना परसेंटेज, टोटल बैंकिंग के अंदर कितना परसेंटेज यहाँ पे एनपीए क्रिएट हुआ है वो आप देख पा रहे हैं, होलसेल के अंदर कितना, बैंकिंग सर्विस के अंदर कितना, तो आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी बात करते हैं टोटल ग्रॉस एनपीए का, तो बैंक के अंदर जो टोटल ग्रॉस एनपीए है वो आपका जो टोटल है 4446, तो जो लास्ट क्वार्टर में था कितना था 4649 करोड़। तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिटेल की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो एनपीए दिखाई दे रहा है जो ग्रॉस एनपीए वो है 1203 करोड़ का। बात करें एग्रीकल्चर के अंदर तो 838। अभी जो बिजनेस टू बैंकिंग की बात करें वहाँ पे 890 करोड़ का, और जो आपका पर्सनल लोन्स इसके अंदर 798, कॉर्पोरेट के अंदर 716। इस हिसाब से यहाँ पे टोटल जो एनपीए ग्रॉस एनपीए आपको दिखाई दे रहा है वो है 4446 करोड़। अभी जब बात करते हैं नेट एनपीए, तो नेट एनपीए में भी यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्रीज यहाँ पे दिखाया है जो है 1502 करोड़ का। तो अभी हम लोग बात करेंगे फेडरल बैंक का जो रिस्ट्रक्चर लोन है। बैंक हमेशा लोन देने के बाद उसका इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट बाउंस हो जाता है, एक बार नहीं आता है तो सेकेंड चांस उसको दिया जाता है। उस टाइम भी इंटरेस्ट नहीं आता है तो बैंक हमेशा उस लोन को रिस्ट्रक्चर में डाल देता है कि एनपीए बनने का खतरा इसमें रह सकता है। उस हिसाब से देखेंगे तो स्टैंडर्ड जो यहाँ पे एनपीए दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3553 करोड़ का, क्वार्टर टू की मैं बात कर रहा हूँ, और नेट एनपीए की हमें बात कर रहे हैं 382 करोड़, जो आगे आने वाले समय में आपका एनपीए बन सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि मॉरेटोरियम का जो लोन है, तो कोविड के टाइम आपको पता होगा कि बहुत सारा लोन बुक इंक्रीज हो गया था सब बैंकों के अंदर। तो जब बात आता है फेडरल बैंक का तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से कोविड के टाइम यहाँ पे लोन बुक इंक्रीज हो गया था, तो उसके अंदर आपका 80% जो रिस्ट्रक्चर बुक था कोविड के अंदर, तो उसमें 75% का सिक्योरिटी कवरेज इसके अंदर है, और जिसके अंदर 73% की बात करें वहां पे 100% सिक्योरिटी कवर यहाँ पे है। तो बैंक के अंदर उतना घबराने की कोई बात नहीं है जो कोविड रिस्ट्रक्चर किया गया है उसके अंदर। तो कोविड रिस्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि रिटेल कैटेगरी के अंदर 2072 करोड़ का यहाँ पे रिस्ट्रक्चर किया गया है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं 155 करोड़ का रिस्ट्रक्चर किया गया है। उसी के साथ साथ टोटल रिस्ट्रक्चर की बात करें वह है 3423। अभी जो रिटेल कैटेगरी का एनपीए रिस्ट्रक्चर यहाँ पे किया गया है
उसके अंदर हाउसिंग लोन में 1068, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर 832, ऑटो लोन 82, उस हिसाब से टोटल की बात करें 2072 करोड़ यहाँ पे रिस्ट्रक्चर किया गया है। तो ये जो सारा पैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आने का चांसेस है। कुछ जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी कवरेज भी है, कुछ जगह पे 100% सिक्योरिटी कवरेज भी है, जो आगे आने वाले समय में इसको मिलेगा। तो अभी ये पैसा मिला नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फेडरल बैंक के अंदर आप निवेश करेंगे तो आप इसका एनपीए को आप देखिए, उसको डिटेल्स में एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश करने के बारे में सोचिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।